इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स। स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। तुकागंज पुलिस ने ऐसे शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है जो पार्किंग एरिया में खड़ी दोपहिया वाहन चुरा कर फरार हो जाया करते थे और अपने नाबालिग साथियों की मदद से उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखवा देते थे। पकड़े गए आरोपी से 3 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। जानकारी देते हुए तुकागंज थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि क्षेत्र में लगातार वाहन चोरी होने की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर एक टीम गठित कर ग्राउंड पुलिसिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग भी लगातार जारी थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पुराना वाहन चोर शुभम कोरी आजकल क्षेत्र में ज्यादा घूम रहा है और अपने साथियों के साथ वाहन चोरी कर रहा है। शुभम को 2 दिन पूर्व शेल्बी अस्पताल के पास घूमता हुआ देखा गया, जो वाहन चोरी कर सकता है। सूचना के बाद पुलिस लगातार शुभम की तलाश कर रही थी, जो संयोगतागंज क्षेत्र के मुरई मोहल्ले में पुलिस को मिल गया, जहां से उसे पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने 3 वाहन चोरी करना स्वीकार किया। उसने पुलिस को बताया कि वह अपने नाबालिग साथियों की मदद से वाहन चुरा कर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उन्हें खड़ा कर देता था। वहीं उसकी निशानदेही पर 3 दोपहिया चोरी के वाहन बरामद किए, जो उसने बाणगंगा थाना, तुकोगंज थाना और गांधीनगर से चुराना स्वीकार किए हैं। शुभम कोरी है, जो कि मुरई मोहल्ला संयुक्तागंज का रहने वाला है। उस पर काफी दिनों से शंका भी थी पुलिस को, और ये भी डाउट था कि आके 2 व्हीलर की चोरी में संलग्न है। तो उसके पीछे एक टीम लगा रखी थी और उसका CCTV फुटेज भी हमें मिल गया था, जिसमें साबित हुआ था कि वही चोरी है। तो उसको परसों वो किया है और पकड़ा है, और उससे 3 मोटरसाइकिल, 3 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं और उससे और भी पूछताछ करके अन्य अभी वो अकेले ही गिरफ्तार हुआ है। उसका नाम है शुभम कोरी। ये मुख्यतः सेल्वी हॉस्पिटल के सामने से जो चोरी की थी उसमें गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद उसने बाणगंगा और एक अन्य थाने की भी चोरी की बात कबूल की है। 3 वाहन जब्त किए गए। ये चोरी अपने शौक वैसे ही करता था, कुछ काम धाम नहीं करता तो चोरी करता था। We'll be right back.